खबर दौसा के बसवा से है, जहां झपावन कला में करीब 10 रोज से ट्रांसफॉर्मर जला पड़ा है, लेकिन बिजली विभाग के लापरवाही रवैये के चलते 10 दिन से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों ने नेहा चतुर्वेदी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और रोष व्यक्त किया। इस दौरान नेहा चतुर्वेदी ने कहा कि गांव में पिछले 10 दिनों से 25 घरों में लाइट गुल है, जिसके चलते परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को परेशानी हो रही है। तो वहीं उन्होंने समस्या का हल नहीं होने पर बिजली विभाग को आंदोलन की चेतावनी दी है। अरे 28 तारीख से डीपी जड़ी हुई है, 28 तारीख को फेलियर रिपोर्ट बना के भी भेज दी वहाँ से, लेकिन अभी तक तो कोई सिचुएशन नहीं है डीपी मिलने की। यहाँ पे बच्चों की एग्जाम चल रही है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है गांव में, करीब 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है यहाँ पे, तो बहुत तगड़ी समस्या आ रही है। लाइट भी पढ़ाई की भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है बच्चों को, गाँव में लाइट नहीं आ रही है, डीपी जली हुई है 28 तारीख से और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और डीपी की रिपोर्ट बना दी, लेकिन लाइनमैन ऐसे बोल रहा है कि अभी डीपी नहीं है 200 के अंदर। ये मामला है, हमारे गांव में एक डीपी थी, वो डीपी आज 10-11 दिन से ऊपर हो गए, वो जली हुई है, और ये लाइट विभाग के जो लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, सब आंखें मूंद के बैठे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ आंखें मूंद के क्यों बैठे हैं, क्यों हमारे गांव में इंसान नहीं है, बच्चे नहीं है, जानवर नहीं है, सब पानी के लिए इतने परेशान हो रहे हैं। प्लस में दूसरी चीज़ ये है कि लोग अभी हमारे बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, बच्चे रात को तैयारी नहीं कर पा रहे, साथ ही रेलवे के एग्जाम आ रहे हैं उसकी तैयारी नहीं कर पा रहे, क्यों ये प्रशासन आंखें मूंद के क्यों बैठा है, क्यों बिल जमा नहीं हो रहे हमारे यहाँ पे, या कोई और परेशानी, इतनी आंखें मूंद के क्यों बैठे, हमें लाइट चाहिए और आज ही।